प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज, बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर पूछते हैं, गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं? उसका उत्तर है, ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब अच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं? भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहाँ है, मेरा स्थान कहाँ है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहाँ से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग नीचे का भाग जहाँ से फैला हुआ होता है, वहाँ ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में जहाँ पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती, 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं स्वयं। 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और कितनी महत्वता कलश की महाराज, आप लोगों से भी निवेदन है, क्षेत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं आदि शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर नहीं पाएगी। कलश का इस भगवान निर्मित कर दिए, ये कलश मेरा प्रतिबिंब। अब कलश मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा,
पर भगवान शिव के पास में आकर स्वयं कामदेव की धर्म पत्नी रति रो पड़ी और मेरे भारत के जो मानव है जहां जहां निवास कर रहे हैं विदेश में भी पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं कलश रखते हैं ना तो कलश किस लिए रखा जाता है कलश का क्रम क्या है अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना शिव महापुराण में कि दिए का महत्व क्या है अपन ने सुना दही का महत्व क्या है जल का महत्व क्या है पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है पर यह नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब माँ आदि शक्ति की स्थापना होती है माँ जगत जननी को जब विराजमान किया जाता है या चैत्र नवरात्रे में शरदीय नवरात्रे में आषाढ़ी नवरात्रे में आधिकाधिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं या गणेश जी की स्थापना करते हैं या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रणी होते हैं तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते आखिर कलश में ऐसा क्या है कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं महाराज आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश स्थापना होगी कलश की शोभा यात्रा निकलेगी कलश यात्रा निकलेगी कलश विराजमान होगा और आज हर की पौड़ी पर प्रयागराज में या उज्जैनी में नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है उसकी महत्वता क्यों है उस कुंभ की उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है यह आपने कह दिया पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें धन्यवाद